अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल टूर विद टेस्ट। आज मैं आपके लिए बहुत नई सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो है चिकन ब्रेस्ट में, यानी कि चिकन ब्रेस्ट के साथ स्टफ्ड चिकन विद चीज़, जो कि स्टार्टर में भी आती है और नॉर्मल ये बच्चों को ज़्यादा पसंद है, बच्चों में ज़्यादा मकबूल हो गई है और बड़े भी शौक से खाएंगे। तो अभी जो है मिड रमज़ान आ गया है तो लोग पकौड़ों से और समोसे से और इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करने लगते हैं, यानी कि कम खाना शुरू करते हैं, तो वो चाहते हैं कुछ नई चीज़ बने। तो नई चीज़ में यही है कि मैं स्टेक रोल लेके आई हूँ और वो देखें आप कैसे बनाने हैं, बहुत इजी, कम मसालों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले खा के भी लोग थक चुके हैं। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं ये बना रही हूँ और देखें आप किस तरह बनाते हैं इसको। मैं पहले मैरिनेशन करूँगी, फिर उसके बाद इसको तैयार करेंगे। तो स्टफ चिकन चीज रोल के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले हमें चिकन ब्रेस्ट चाहिए। ये मैंने पूरा एक चिकन ब्रेस्ट लिया था और मैंने इसको जो है ना पतले स्लाइस में, मैंने इसको स्टेक की शक्ल में काट लिया है कि इसको रोल करने में आसानी हो। और इसको मैंने हमर से जो है ना इसको बीट भी किया है और ये देख सकते हैं आप कि ये कैसे हो गए, जबरदस्त बनेंगे इसके रोल। तो इस तरह आपने भी करना है। इसके अलावा चेडर चीज, मोजरेला चीज, बेल पेपर, तीनों कलर की जूलियन कटिंग में मैंने बारीक काटी है, जिंजर और गार्लिक चॉप किया है मैंने बहुत बारीक, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून वाइट पेपर है, नमक है 1 टीस्पून, हॉट सॉस है 1 टीस्पून, सोया सॉस है और मस्टर्ड सॉस 1 टीस्पून। तो चलते हैं हम इसकी मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन करके फिर हम आपको अभी बताएंगे कि क्या करना है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने इसका बैटर तैयार करना है। जो भी चीजें इंग्रेडिएंट्स आपने ली हैं इनको पहले मिक्स करना है। तो गार्लिक लेना है आपने थोड़ा सा, ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए लेना है हमने, इससे ज्यादा नहीं लेना है। व्हाइट पेपर डालनी है हमने 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक लेना है हमने 1 टीस्पून, हॉट सॉस डालना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें इसके बगैर भी अच्छा बनेगा, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसमें सोया सॉस। और मस्टर्ड, इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। बैटर इसलिए तैयार करते हैं पहले ताकि उसको जब हम मैरिनेट करें तो सारी चीजें इक्वल लगें उसके अंदर ना, अलग अलग कहीं ज्यादा कोई चीज कम ज्यादा ना हो जाए। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप पहले बैटर तैयार करें और फिर उसके बाद आप इसको मैरिनेट करें। मैं इसी तरह इसको लेके ऐसे मैं सबको मैरिनेट कर लूंगी। इसकी खुशबू आ गई है बहुत जबरदस्त। मैरिनेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है और मैंने इनको बहुत अच्छे से मसाला लगा दिया है सारा। तो अब मैंने इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो चले हम बनाते हैं स्टफिंग, कि इसकी स्टफिंग कैसे तैयार करनी है। स्टफिंग के लिए हमने चेडर चीज और मोज़रेला चीज जो ली थी, तो हम एक बाउल में इसको तैयार करते हैं। ये थोड़ी सी आधा टीस्पून जो है ये ब्लैक पेपर है और थोड़ा सा नमक, क्योंकि चीज खुद नमक होती है। ये इतना नमक डाल रही हूँ कि ये बेल पेपर जो मैंने काटी है इसके लिए थोड़े से नमक की ज़रूरत है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करने से ये होगा कि स्टफिंग जो है फिर वो एक सी होगी, अलग अलग नहीं होगी और बहुत ज़बरदस्त सी स्टफिंग होगी इसकी, कलरफुल, बच्चे शौक से खाएंगे। तो ये तैयार है। तो जैसे ही हमारी
कंप्लीट होती है 30 मिनट चिकन के, तो फिर हम ये इसकी स्टफिंग दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टफिंग की तरफ। चलिए करते हैं स्टफिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने ये पीस लेना है, और ये जो आपने चेडर चीज और ये जो आपने इसके लिए स्टफिंग तैयार की है इस तरह रखनी है। जब आपने यूज़ करनी है ये स्टिक से, इसको मैं बंद करूँगी, तो आपने इसको पानी में थोड़ी देर भिगो देना है, उससे ये कि फिर ये आसानी से जाती है इसके अंदर। ये देखें, इसी तरह मैं ये सारी कर लूँगी। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा एक और लगा लें तो उसमें लगा सकते हैं। इससे ये है कि ये खुलेगा नहीं। स्टफिंग मैंने कर ली है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको फ्राई करना है। अब मैं इसकी फ्राइंग की तरफ चलती हूँ। मैंने इसमें शैलो फ्राई करना है, आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बहुत ज़्यादा ऑयल में। और दूसरी बात यह है कि अगर आप के पास ओवन नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवन में फ्राई करें, आप इसको इसमें भी कर सकते हैं पैन में। लेकिन मैं इसको हाफ डन करूँगी हल्की आंच पे, आपने इसको फ्राई करना है। हाफ डन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर लूंगी। लेकिन अगर आप फुल डन इसको इसी तरह फ्राई करना चाहते हैं तो फिर आपने 10 से 15 मिनट इसको स्टीम पे जो हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, ताकि अंदर तक ये फ्राई हो जाए। अब 2 से 3 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया, उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। 2 से 3 मिनट इसको हो चुके हैं, तो मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। और इसकी स्मेल भी आनी शुरू हो गई है बहुत ज़बरदस्त थी। तो अब 2 से 3 मिनट मजीद मैं इसको दूंगी, फिर इसको चेंज करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह मैं इसको दूसरी तरफ से भी कर लूंगी, चारों तरफ से करना है इसको। और फिर मैं आपको इसको बताती हूँ कि कैसे डन हो जाएगी चारों तरफ से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, और अब मैं इसकी जो है स्टफिंग के अलावा मैंने इसमें मोज़रेला और जो मैंने चेडर चीज़ निकाली है और जो उसकी जो रेस्ट बेल पेपर जो कटी हुई है उसके साथ उसको गार्निश करना है। और उसको माइक्रो ओवन में रखें आप, या ओवन के अंदर करें, या पैन में डाल के आप इसको कवर करके इसको स्टीम पे भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको सहूलत हो। तो मैं इसको ओवन में रखूंगी, और मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इसके इसमें क्या करना है। ये देखें, ये वही है जो मैंने स्टफिंग की है, ये इसमें से बची हुई है। तो मैंने अब इसको इसको एक्स्ट्रा किया था इसके लिए, तो अब मैं इसको इस ओवन में करूंगी। और मैंने स्टिक जो लगाई हुई है वो आप इसी तरह लगी रहने दें, इस तरह इसको रख लेंगे। ये देखें इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और मैंने इसको हाफ डन किया है, इसको मैंने फुल डन नहीं किया है। और इसी तरह मैं इसके ऊपर इस
इससे बहुत ज़बरदस्त और जूसी और मज़ेदार, और ये जो पापरिका है, ये जो बेल पेपर है, इसका क्रंच टेस्ट आएगा, इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। ये बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, तो ज़रूर तैयार कीजिए आप। अब मैं इसको 5 मिनट ओवन में दूंगी। चिकन स्टफ चीज़ रोल इस रेडी तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़ेदार बने, और देखने से वो लग रहा है कि बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, बड़े भी पसंद करेंगे, तो देखें आप। देखने से यम्मी लग रहे हैं, जरूर ट्राई करें, ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, और पसंद आए तो ज़रूर आप मुझे लिंक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी है, और आने वाले दिनों में आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। तो बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।